हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे किराना दुकान खोलने और न खोलने पर दुकान पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, यानी कितना बड़ा फर्क पड़ता है दुकान रोज खोलने पर और न खोलने पर। तो बात वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भाई किराना दुकान डेली बंद करते हैं, कितना बड़ा नुकसान होता है उन दुकानदार का, तो वो दुकानदार इशू जान सके और समझ सके कि डेली दुकान बंद करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए किराना दुकान सबसे पहले तो एक अकेले की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि देखिए एक अकेला आदमी किराना दुकान कभी संभाल नहीं सकता है, एक अकेला आदमी किराना दुकान कभी चला नहीं सकता है। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न वो क्या है कि जो एक अकेला आदमी किराना दुकान को क्यों नहीं कर सकता है और क्यों नहीं संभाल सकता है, क्योंकि भाई देखिए किराना दुकान छोटी हो या बड़ी हो, आपको डेली प्रोडक्ट तो लाना ही होगा, यानी डेली सामान तो लाना ही पड़ेगा। आप किस तरह से लाएंगे, या फिर आप नाइट के समय लेके आएँ, यानी कि रात के समय लेके आएँ आप अपने किराना दुकान का प्रोडक्ट यानी सामान। लेकिन देखिए किराना दुकान एक ऐसी दुकान होती है ना कि इसमें हर रोज़ सामान ख़त्म रहता है और हर रोज़ सामान लाना पड़ता है एक दुकानदार को। अब कौन सामान कब ख़त्म हो जाए ये नहीं पता होता है किसी भी दुकानदार को, तो आपको हर रोज़ और कब सामान कौन सामान लाना पड़े ये नहीं पता होता है। भाई आप अपनी दुकान में कितना ही माल भर लो, आप 10 से 20 लाख रुपये का अपनी दुकान में प्रोडक्ट यानी माल भर लो ना, फिर भी आपको दुकान पर सामान कमी रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म रहेगी आपकी दुकान पर। तो वो आपको हैंडल करना है कि किस तरह से आप हैंडल करेंगे इस चीज़ को और आप किस तरह से उस सामान को, उस प्रोडक्ट को आप अपनी दुकान पर ला पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप सामान लाने जाएंगे तो अगर आप एक अकेले हैं तो आपको दुकान निश्चित रूप से बंद करना पड़ेगा। अगर आप दो हैं तभी आप सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि किराना दुकान एक अकेले की बस की बात नहीं है, दो आदमी तो चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा दुकान को संभालेगा तो दूसरा बंदा जाके सामान है प्रोडक्ट ले आएगा। अब बहुत से भाइयों का ये मैसेज होता है, भाई कि मैं तो सामान डायरेक्ट मंगाता हूँ, हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं। मानता हूँ आपके पास गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सामान ऐसे होते हैं ना किराना दुकान के जो कम सेल होने वाले होते हैं, तो आपको उस चीज़ को लाना पड़ता है। क्या ये बात सच है, कमेंट करके जो बताइएगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना, कुछ ना कुछ सामान ना जो किराना दुकान में कम सेल होते हैं तो हम दुकानदार को लाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है। अब इस केस में, इस सिचुएशन में क्या होता है पता है कि मैं अपनी दुकान पर, अपनी जगह पर किसी न किसी को बैठा के जाता हूँ। अक्सर नया बंदा बढ़ने पर दुकान पे ना बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, उसको नॉलेज भी नहीं होता है ना इस चीज़ के बारे में कि कौन सामान कितने का और कितने का सेल करूँगा और हमें कितने का पड़ेगा। तो भाई अगर आप एक किराना दुकानदार हैं, अगर आप एक अकेले हैं या फिर आप मार्केट जाते हैं, तो आप ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को अपनी जगह पर, अपनी दुकान पर बैठा के जाएं जिसको ये चीज़ें पता हो कि कौन सामान कितने का है और कितने का बिकेगा और ये हमें कितने का पड़ा है, कि अगर मैं ये 2 रुपये अगर कस्टमर कम भी देगा, अगर मैं उस कस्टमर को ये सामान दे दूँगा तो ये हमें तो दो रुपये कम करने पर हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे शख्स को अपनी दुकान पर बैठाते हैं ना, तो आपके दुकान पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, यानी कम बहुत कम फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आप किसी नए आदमी को अपनी दुकान पर बैठा देंगे ना, जिसको ये चीज़ें नहीं पता होगी ना कौन सामान कितने का और कितने बिकेगा, कि आपके ना होने पर जब भी कस्टमर आए तो आपके पास कॉल करना पड़े उसे और वो चीज़ें उसको ना पता हो, तो इस केस में क्या होता है पता है कि अक्सर ना जो कस्टमर होते हैं ना, जो ग्राहक होते हैं ना, उस नए बंदे को गुमराह करते हैं, उस नए बंदे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इतने में देते थे, आप इतने में दे रहे हो, आप तो महंगा दे रहे हो, भाई हमें इतने में देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी बातों में, उनके झांसे में आके ना वो चीज़ को वो दे देते हैं, तो उनको उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। और नुकसान कब पता चलता है, जब बंदा जिसकी दुकान होती है ना, जो हैंडल करने वाला होता है। तो इस केस में आप ना ऐसे बंदे को, ऐसे शख्स को बैठाए ना जिसको नॉलेज, जिसको पता हो, है ना, कौन सामान कितने का और कितना बिकेगा और हमें कितने मिलेगा, यानी कि वो कस्टमर को हैंडल कर सके। और दूसरी बात की देखिए, जो मेन आदमी होता है ना, जो दुकान चलाने वाला होता है ना, उससे और दूसरे आदमी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा आपके पहले, और कोई बंदा अगर आप बैठा के जा रहे हैं, अगर उसको नॉलेज है, उसको पता है, तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें पता होगी, है ना, किस तरह से कस्टमर को हैंडल करना है और कौन सामान कितने का है, कितने बिकेगा। लेकिन जो मेन रीज़न है, जो मेन चीज़ है ना, जो दुकान चलाता है ना, उससे और दूसरे आदमी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब भी बंदा आएगा ना, उसी आदमी को पूछेगा जो दुकान चलाता है, क्योंकि उसको सब चीज़ें पता है ना कि कौन सामान कितने का है और कितने बिकेगा। लेकिन जो दुकान चलाने वाला होता है ना, वो 2 रुपये डाउन करके दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें सामान इतना पड़ेगा, मैं 2 रुपये डाउन करके दूंगा ना, फिर भी हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा। और भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि
कि आप दुकान ना ही बंद करें। हाँ, अगर मजबूरी है तो आप एक दिन बंद कर सकते हो। अगर आप डेली दुकान बंद करेंगे ना, तो इससे आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि डेली डेली दुकान बंद करने की डेली डेली दुकान बंद करने से ना जो कस्टमर होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, वो कस्टमर कटने लगते हैं और वो कस्टमर ना किसी दूसरी दुकान पकड़ लेते हैं, और जो आपके बगल दुकान वाला होता है ना वो कम रेट में सामान देके कस्टमर को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है ना। अगर आपके पास बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं तो आप एक दिन के लिए दुकान बंद कर सकते हो, अदरवाइज आप दुकान डेली ना बंद करें, है ना, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो आशा करते हैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।